नमस्कार मित्रों, आइए आज हम कक्षा 10 के रोज का पहला लेसन जो कि वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, पिछले कुछ पार्ट्स के वीडियो को मैं अपलोड किया हूँ। आज नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस यानी कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण से लेकर के और डिसअपीयर्ड तक, आज मैं वीडियो नंबर 3 में यानी कि 2 पार्ट में इसके वीडियोस को अपलोड किया हूँ। आज ये 3rd पार्ट का वीडियो है, इसको आप ध्यान से देखें। व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण इज बर्थ, गुड कंडक्ट आर लर्निंग, एंसर डिसिप्लिन। अब यहाँ पे फिर एक्स जो है उससे पूछता है कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, क्या उसे एक वास्तविक ब्राह्मण बना सकता है। इज बर्थ, क्या वो जन्म से यानी कि अगर पैदा हो गया ब्राह्मण कुल में तब वो ब्राह्मण बन सकता है। गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से, आर लर्निंग, विद्वता से। एंसर डिसिप्लिन, उत्तर को अच्छे तरीके से दिया जाए या उत्तर बताओ। वर्थ एंड लर्निंग डो नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। फिर आंसर जो है आता है यानी कि उद्देश्य उत्तर देता है कि बर्थ एंड लर्निंग डो नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, कि जन्म से और विद्वता से मनुष्य जो है, एक मनुष्य जन्म से और शिक्षा से वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है, नहीं बन सकता है। गुड कंडक्ट एलोंडेज, बल्कि अच्छे आचरण से वह ऐसा हो सकता है। हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी, कह रहा है हाउ एवर लर्न ए पर्सन मे बी, हो सकता है कि वह व्यक्ति चारों चीज़ों का ज्ञाता हो, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण। वह ज्ञानी हो सकता है, वह ज्ञाता हो सकता है, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। विदाउट गोइंग अप अ बैड हैबिट या विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, यहाँ पे गिविंग अप त्यागना छोड़ना, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना बुरी आदतों को छोड़े हुए वह ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इवन दो, प्राय हो सकता है, यद्यपि ही मे बी लर्न इन 4 वेदाज, वह चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल इन ए लोअर क्लास, उसके बावजूद भी मैन ऑफ बैड कंडक्ट, बुरे आचरण वाला एक व्यक्ति हमेशा वह निचली श्रेणी अर्थात सबसे निचली श्रेणी में आता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, फिर अब क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। फिर उत्तर आता है कि एवरीडे मैन सी क्रिएचर रिपोर्ट टू यमज किंगडम, कह रहा है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उत्तर देता है कि एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स, हर बार हर दिन मनुष्य देखते हैं ये डिपार्ट टू यमा किंगडम, यानी कि जो प्राणी हैं मरणोपरांत वह यमा के किंगडम अर्थात यमा के राज्य में चले जाते हैं। एट दोज हु रिमेंस वांट टू लिव फॉरएवर, लेकिन फिर भी जो बच जाते हैं, जो शेष लोग रह जाते हैं, वो लोग हमेशा जीने की इच्छा करते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, और यही वाकई, यही सच है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। थस इस प्रकार 10 बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे मित्रों। 10 द यक्स पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्स ने तमाम अनेकों क्वेश्चंस को रखा और युधिष्ठिर उन सभी प्रश्नों का जवाब दे देता है। युधिष्ठिर सभी प्रश्नों का जवाब आसानी से दे दिया। इन द एंड ऑफ यक्स, इन द एंड अंत में द यक्स आस्क्ड, यक्ष ने कहा, ओ किंग, ए राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, कि अब तुम अपने मरे हुए भाइयों में से एक भाई को जिंदा कर सकते हो। हुम डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, किसे तुम जिंदा करना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक, देन ही विश्ड दैट, अब युधिष्ठिर को सोचने में एक पल की देरी नहीं हुई और उसने इच्छा जाहिर किया। ही विश्ड, उसने इच्छा किया, दैट क्लाउड कॉम्प्लेक्स, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइज, कमल नैनो वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छातियों वाला, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाला नकुला, लाइंग लाइक ए फालन एबनी, जो आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट एराइज, उसे जिंदा होना चाहिए। अब आगे देखेंगे। द यक्स वाज प्लीज एट दिस एंड आस्क युधिष्ठिरा, यक्स इस चीज़ के ऊपर अर्थात जब युधिष्ठिर ऐसा बोलता है तो यक्स उनके ऊपर अर्थात युधिष्ठिर के ऊपर प्रसन्न हो जाता है और फिर युधिष्ठिरा से पूछता है, वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रीफर टू भीमा, कि तुम वाई डिड यू चूज नकुला इन प्रीफर टू भीमा, तुम भीम की जगह पे नकुल को क्यों चूज किए। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिनके पास, जिनके अंदर 16,000 हाथियों का बल है,
आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर फॉर यू, मैंने सुना है कि भीम तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना, अच्छा अर्जुन को क्यों नहीं चुनते हो? हुज स्ट्रेंथ इन आर्मी और बॉडी प्रोटेक्शंस, जिनके हाथों में तुम्हारी सुरक्षा है। टेल मी वाई यू चूज नकुला रैदर देन आइदर ऑफ दिस टू, तुम ये बताओ कि इन दोनों के बाद अर्थात इन दोनों को छोड़ करके नकुला को क्यों तुमने चूज किया है? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष ए यक्ष, धर्म इज़ द ओनली शील्ड ऑफ मैन, अगर किसी व्यक्ति का कोई रक्षक है तो वह सिर्फ धर्म है। एंड नॉट भीम आर अर्जुना, न कि भीम न कि अर्जुन, इफ धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाता है, मैन विल बी रून, तो मैन जो है अर्थात मनुष्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वे आर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। यहाँ देखो वाइफ का प्लूरल है वाइफ्स। आई एम अलिव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक बेटा। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रेव, और यह पूर्ण रूप से न्यायोचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट, इसी क्रम में द स्केल ऑफ जस्टिस में भी वे न्याय की तुला बराबर हो सके, आई आस्क दैट, मैं कहता हूँ कि माद्री सन नकुला, मेरी वाइफ की माद्री का बेटे नकुला को जीवित किया जाए। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज विथ युधिष्ठिरा इन पार्टियलिटी, यक्ष जो है युधिष्ठिर की निष्पक्षता के ऊपर और अत्यधिक प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर वुड कम बैक टू लाइफ, और उसे स्वीकृति दिया कि तुम्हारे सभी भाई जीवन में वापस आ जाएं। इट वॉज यमा, और वह यमा था द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिसने यक्ष का रूप लिया था, धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा, ताकि वह युधिष्ठिरा को देख सके, उससे मिल सके, एंड टेस्ट हिम, उसका परीक्षा ले सके। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिरा, उसके बाद लास्ट में युधिष्ठिरा को उसने गले लगाया, इम्प्रेस माने गले लगाना, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, और लास्ट में वह गायब हुआ। मित्रों, ये वीडियोस इसी तक, यहाँ तक समाप्त होता है। आप इस वीडियो के लास्ट में देखिए, यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, इस मीनिंग को आप ध्यान से देखेंगे, और इस पूरे पैराग्राफ के, यानी कि लेसन्स के जितने भी पैराग्राफ मैंने पढ़ाए हैं, सारे पार्ट्स में जो भी आपको मीनिंग्स डिफ़िकल्ट्स आएंगे उसमें आप देख लेंगे। फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और यदि जो भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं, भूले हुए हैं, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।